पिछले 70 साल से प्लास्टिक की डिमांड हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बढ़ती डिमांड के कारण प्लास्टिक पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस प्लास्टिक पॉल्यूशन का शिकार बांद्रा के 200 साल पुराना बांद्रा तालाब भी अब बन चुका है। इस बात को ध्यान रखते हुए क्लीन स्वीप टीम ने मिलकर इस तालाब को फिर से एक सुंदर जगह बनाने का बीड़ा उठाया है। तो जानते हैं उनके इस योगदान के बारे में। क्लीन स्वीप फाउंडेशन, ये फाउंडेशन क्लीन अप ड्राइव के लिए काम करती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय राहुल कैनल जी के राहुल आई लव मुंबई फाउंडेशन है और दुर्गा जी भोसले जिनका गो ग्रीन युवा फाउंडेशन है। इनके सपोर्ट के माध्यम से हम हर जगह क्लीन अप के ड्राइव्स करने वाले। ये हमारा फर्स्ट ड्राइव था जो हमने बांद्रा तालाब में किया। रैकी के दौरान आपको कौन से प्रॉब्लम सामने आए? जो है हमने पहले से ऊपर रिसर्च वर्क किया था। रिसर्च वर्क में देखा कि 7.5 एकड़ का पूरा इतना जगह है जो हिस्टोरिक प्लेस है उसको, लेकिन यहाँ के जो कई लोकल्स थे वो हम लोग आ रहे थे रेकी के दरमियान तो वहाँ पे कचरा डाल रहे, प्लास्टिक उठा के वो डायरेक्ट लेक में फेंक रहे। यहाँ पे देखते थे कोई कुछ दारू पीते थे, बहुत सारे गंदे स्टफ करते थे, तो हमने भी बोला ये सब बंद करना चाहिए क्योंकि आप बांद्रा का एक पहचान बोले तो बहुत जन आते हैं, बाहर के आते हैं, यहाँ के रेसिडेंट आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कोई ऐसे सब करता है। सो बेसिकली दिस इज़ वेयर आई हैव बीन ब्रॉट अप लाइक बॉर्न, सो माय होल फैमिली नूतन नगर इज़ अ प्लेस, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस लेक डिटोरिएट। लुक एट दिस प्लेस, यू कैन सी इट योरसेल्फ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, बट लुक एट द वेस्ट, लुक एट द डर्ट दैट पीपल हैव पुट इन हियर, यू नो, सो दिस इज़ प्राइमरी द रीज़न वाई वी ऑल आर हियर टुडे। मैम, इस इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे फ्यूचर है, आज ये खड़े होंगे तो बहुत बदलाव आएगा। इन्हीं बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है, यही बच्चे मैसेज पहुंचाएंगे। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दीज किड्स कि सुबह आके उनमें इतनी लगन है कि वो इस वक्त आए हैं और काम कर रहे हैं। मतलब उनको अपने महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए प्रेम है, कुछ करने का है उनको। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये कि सिटी हमारा है, वी शुड लुक आफ्टर आवर ओन सिटी। इनिशिएटिव्स लाइक दिस शुड बी सपोर्टेड, इनिशिएटिव्स लाइक दिस शुड बी कैरिड आउट मोर ऑफन, मे बी ऑन अ डेली बेसिस। ऑफकोर्स बीएमसी तो काम करते हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव्स एज अ सिटीजंस मूवमेंट करेंगे तो सिटी और बेटर दिखेंगे, इट विल बी अ बेटर सिटी टू लिव इन। सो इफ़ यू ऑल प्लेज एंड कम टुगेदर, आई थिंक वी कैन कीप आवर सिटी नीट क्लीन एंड द सिटी वी ऑल लव। I'm sure that with this one drive it's not going to be 100% clean, but at least this will create awareness, and we are hoping that over a period of time there'll be more people joining in, people living in the societies, people living around, they will come and help us clean up this place. So not only this place, you know, our motto is to clean up the entire environment in Mumbai, you know, as far as possible we will use our volunteers, we'll use our people, you know, just to create that sense, and there will be a time when we will be a green and a clean city. बांद्रा तालाब, जहाँ लोग पहले घूमने आते थे, आज वही तालाब हमें कचरे का ढेर बनते हुए दिख रहा है। क्लीन स्वीप टीम ने आई लव मुंबई और गो ग्रीन युवा के साथ मिलकर इस तालाब को फिर से सुंदर बनाने का काम जो किया है वो वाकई काबिलियत तारीफ है। हमें भी इनके साथ एक कदम आगे बढ़ाकर हमारे परिसर को सुरक्षित रखना चाहिए। दिस इज जुई जाधव, वीडियो जर्नलिस्ट रोहित लोनकर, प्राइम टाइम नेटवर्क, बांद्रा। You are